ईशिका ओ तो তোমার হেয়ার কাট করবে হ্যাঁ আমাকে তো বেশি বাংলা বলতে পারি না আমি একটু একটু বাংলা বলবো তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে বেটা আমি পারি না তুমি বাংলা পারি না বলতে পারি না আমি হিন্দি পারি না তুমি হিন্দি হিন্দি বলতে পারি না তো আমি তোমাকে হিন্দি শিখিয়ে দেব আর তুমি আমাকে বাংলা শিখিয়ে দাও ঠিক আছে আমি তোমাকে मैं तुम्हारा हेयर कट कर रही हूं बेटा ठीक है चलो रेडी स्टार्ट तुम रोगी तो नहीं पक्का डन चलो गुड बेबी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं जो हेयर कट करने जा रही हूँ वो 90 डिग्री हेयर कट है जो इस बेबी का छोटे से बेबी का जो फेस कट है उसको मेरी निगाह में ये बहुत ही परफेक्ट दिखेगा आप भी देख सकते हो और बहुत ही इजी हेयर कट है अगर इसे आप फोकस से करोगे तो आप ये कट बड़ी आसानी से सीख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं एक लाइन नीचे की जो गाइडलाइन है वो क्रिएट करने जा रही हूँ उनसे मैंने पूछ लिया कि कितना चाहिए और हमेशा हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो क्लाइंट बोलती है उनसे थोड़ा सा और नीचे ही काटे मतलब थोड़ा लेंथ ज़्यादा ही रखे तो ज़्यादा बेटर होगा तो ये मैंने लाइन क्रिएट की है और अभी 90 डिग्री लेकर कट करने जा रही है देखिएगा तो यही तरीका अपनाते हुए साइड का सेक्शन लेना है और उसे कट करना है अब देखिए ध्यान से बहुत ही अच्छा कट होता है गाइज ये देखिए ये वाला जो है ये पोर्शन लेना है एंगल में और कट कर देना है मुझे ये कट सबसे ज़्यादा पसंद आता है और इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है देखिए ये मैंने लिया सेंटर से और गाइडलाइन को नज़र रख के अच्छे से कट कर दिया है कॉम को ठीक से हेयर में करके एकदम देखिएगा बहुत सारे कमेंट मुझे मिले थे कि मैम अपनी साउंड में आप वीडियो दीजिएगा और प्रॉपर वीडियो बताइएगा तो मैं ये छोटी सी बेबी का जो कट करने जा रही हूँ तो मेरे जो भी है व्यूवर्स वो ध्यान से देखिएगा आप ये कट आसानी से सीख सकते हैं देखिए आप देख सकते हो कितने अच्छे से लेयर आ रही है बच्चे बहुत ज़्यादा हिलते हैं तो बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ता है कि उन्हें सीज़र ना लग जाए तो ये सब देखकर बहुत ही तरीके से हमें ध्यान रखते हुए ये कट करना है देखिएगा हिलते हैं बच्चे देखिए देख सकते हैं कितने अच्छे से लेयर आ रही है और वॉल्यूम भी आ रहा है अब फ्रंट साइड में सेम वैसे ही आप लेकर जाके 90 डिग्री में आपको हेयर को कट कर देना है गाइडलाइन को फॉलो करना ना भूलिएगा क्योंकि उसी पे सब कुछ है हेयर कट हर हेयर कट का सेम पार्ट है कि हमें गाइडलाइन बहुत अच्छे से क्रिएट करनी होती है तो हेयर कट बहुत ही अच्छे से बैलेंस होगा फिर भी ये छोटी सी जो बेबी देख रहे हो ना आप ये बहुत ज़्यादा हिल नहीं रही है और बहुत ही पेशेंस के साथ में
बैठी हुई है, जो मुझे थोड़ा सा इजी जा रहा है हेयर कट करना। गाइस, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जिनको भी जो न्यू है सीखना चाहते हैं तो ये कट मेरी देखकर आसानी से सीख सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। बहुत बीच में मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुई थी, लेकिन फिर से आपके कमेंट मुझे आने लगे तो मैं फिर से आपसे रूबरू हो रही हूँ। और मैं मुझे काफ़ी बोला गया कि मैम अपने साउंड में आप वीडियो अपलोड कीजिएगा और फुल वीडियो चाहिए हमको, तो इसलिए मैं वापस आपसे रूबरू हो रही हूँ। तो गाइस, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। देखिए ये जो कट आपको देख सकते हो कैसा हो, देखिए ये जो कट आपको देख सकते हो कैसा हो या हुआ है। ज़्यादातर मैं जो भी पर्सनालिटी मेरे सलोन में आती है तो मैं उसको देखकर मेरे जहन में कट आ जाता है कि हाँ इन्हें ये देना है। तो देखिएगा आपको कैसा लगा इस बच्ची का, इस प्यारी सी बच्ची का हेयर कट। কেমন লাগছে বেটা? ভালো লাগছে। ম্যাম নে বহুত আচ্ছা কাট কিয়া আপকা। হ্যাঁ। কেসে লাগ রহা হ্যায়? সুন্দর। হ্যাঁ? সুন্দর। সুন্দর? ও সো সুইট বেবি। Thank you.
Thank you.